Hey guys, this is Panshu and you're watching Unbox Technology. और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग इस Adcom M1 वायरलेस ईयरबड की. So, let's get started. बता दूं कि हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है और गिव अवे है इसी का ही ब्लैक वाला मैंने ओपन कर लिया था रिव्यू के लिए. मेरे पास है गोल्डन कलर सील्ड पैक, इसका गिव अवे कर रहा हूं मैं इंस्टाग्राम पे. आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की पोस्ट का. पोस्ट के नीचे आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं मैंने, सब कुछ लिखा है. लाइक करना है आपको, सब्सक्राइब करना है और एक कॉमेंट करना है, आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे के लिए. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने इंस्टाग्राम का, जाके कर लो गिव अवे में पार्टिसिपेट. तो बॉक्स के पीछे की साइड आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके. और सीधा अनबॉक्सिंग करते हैं स्टार्ट इसकी. और बॉक्स को ओपन करती है आपका ईयरबड दिख जाता है. और यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिख जाते हैं जो कि स्मॉल और लार्ज मिल जाती हैं, और मीडियम जो है वो इसके ऊपर पहले से ही लगा हुआ मिल जाता है. और एक चार्जिंग केबल मिल जाती है. चार्जिंग केबल मुझे बढ़िया लगी इसकी क्वालिटी. और माइक्रो यूएसबी है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो और बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है. अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो चार्ज हो जाता है ये जल्दी ही. और यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा. यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और ये भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके. लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक. और इसको रखते हैं साइड में. और एक लास्ट कार्ड मिल जाता है ब्लैक कलर का जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू कार्ड. तो ये भी आप देख सकते हो, इस पर लिखा हुआ है, इनका इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक का लिंक है, उनकी ईमेल आईडी नहीं मतलब इनकी वेबसाइट का लिंक है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो इनको वहाँ पे. तो अभी हम चलते हैं सीधा अपने मेन यूनिट पे, ईयरबड पे. यहाँ से इसको निकाल देते हैं और दिखा देता हूँ इसका फिज़िकल ओवरव्यू, दे देता हूँ कैसा दिखता है. बहुत ही छोटा सा है, ब्लैक कलर में इसकी प्लास्टिक जो है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा. प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही स्मूथ लगता है ये हाथ में पकड़ते हुए, और क्वालिटी आपको पता चल जाएगी बहुत ही प्रीमियम लगता है हाथ में पकड़ते ही. और छोटा भी है, Adcom की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको पावर बटन पर. और इसमें रेड और ब्लू कलर की जो लाइट है वो इतनी ब्लिंक नहीं करती बहुत ज़्यादा, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ रेड और ब्लू लाइट ब्लिंक करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. अंधेरे में आपको नोटिसेबल होगी और सनलाइट पे हो तो इतनी नोटिसेबल नहीं होती, मतलब दूसरों को इतनी मतलब दिखाई नहीं देगी. तो ये बहुत सही चीज़ लगी, ऐसे चाइनीज़ प्रोडक्ट टाइप नहीं है इसकी लाइट, तो वो चीज़ मैं पिक थम्स अप फॉर दैट. तो इसको पेयर करने के लिए आपको इसके पावर बटन को 5 to 7 सेकंड्स तक दबा के रखना है और इसकी रेड और ब्लू लाइट ऑन हो जाएगी ब्लिंक करना. आपने ब्लूटूथ में जाना है और वहाँ पे आपको दिख जाएगा Adcom M1 के नाम से एक स्पीकर या ईयरबड, तो आपको उसको क्लिक कर देना है, आपको ये कनेक्ट हो जाएगा और इसमें सिर्फ ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी. तो इससे पता चल जाता है कि आपका जो ईयरबड है वो कनेक्ट हो चुका है. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का साइन दिख जाएगा. लेट मी शो यू, यहाँ पे आप देख सकते हो और इससे पता चलता है कि ये कनेक्ट हो चुका है. और लिंक दिया है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में, ब्लैक कलर वाला है 690 का और गोल्डन कलर वाला आई थिंक 630 का है, तो जाके परचेज कर सकते हो. और अभी मैं इसकी साउंड क्वालिटी बता देता हूँ. सो गाइस, गिव अवे की बात करूँ तो ये जो इसका गिव अवे है ये बिल्कुल सील पैक्ड बॉक्स है, यही है, बट ये मैट ब्लैक कलर में है. ये मैंने रिव्यू करने के खोला था और ये है गिव अवे के लिए, गोल्डन कलर है. इसका गिव अवे करूँगा मैं इंस्टाग्राम पे, तो इसका गिव अवे करूँगा एज अ न्यू ईयर गिव अवे, या फिर आप ले सकते हो इसको एज माय चैनल एनिवर्सरी गिव अवे. तो जो मर्जी लेना है ले लो, लेकिन आपको मिल जाएगा किसी एक व्यूअर को. इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे जो जो मैंने इसकी पोस्ट डाली है उस पोस्ट के लिए सब कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे आपको मतलब करना है, आपको लाइक करना है वगैरह वगैरह, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो वो सब कुछ आगे कर लेना. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम की पोस्ट का, उसके नीचे सब कुछ दिखा है, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है. तो अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की. साउंड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है. अगर इसके गाने जब मैं सुनता हूँ तो इसकी साउंड क्वालिटी मतलब बढ़िया है. बेस वगैरह इतना नहीं मिलता क्योंकि ईयर पीस है, ये हैंड फ्री कॉलिंग के लिए है,
तो इतना बढ़िया बेस नहीं मिलता है इसके अंदर, आपको इक्वलाइज़र करके बेस बढ़ाना पड़ता है। मैंने इक्वलाइज़र करके इसका बेस बढ़ाया तो वो बहुत ही सही आ जाती है फिर इसकी साउंड क्वालिटी। इसकी प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बैटरी इसकी बहुत बढ़िया है। बैटरी भी आपको मिल जाती है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 8 to 9 hours चल गई थी मेरी बैटरी। म्यूज़िक सुनते सुनते भी, म्यूज़िक मैंने 3-4 घंटे सुने हैं इस पर लगातार, नहीं रुक रुक के, और इसको मैंने एक बार भी ऑफ नहीं किया, 12 बजे चलाया था तो ये 8 बजे तक चला है, तो ठीक है। और बस यही था, 690 का है अप्रॉक्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इसका, अगर आपको परचेज़ करना है तो कर लो, अगर आप गिव अवे में नहीं जीतते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो इसको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और इसका इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है। रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो कर देना वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। अनबॉक्स टेक्नोलॉजी में रिसेंट वीडियो जाकर देख लो, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। सो बस, हियर दीपांशु साइनिंग ऑफ। थैंक यू। गिव अवे में पार्ट लेना मत भूलना।